सभी स्थानों पर गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे गूंज रहे हैं। और इसी जयकारे के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ प्रेमपुरा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा भाव से गणेश पूजन किया और नगर निगम द्वारा स्थापित नर्मदा जल कुंड में मूर्ति का विसर्जन कर जीव संरक्षण का संदेश दिया। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी के घर निराशा ना हो, नौजवान भी उत्साह से देश के निर्माण में लगे और उनको रोजगार की कमी ना रहे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर पाए, खेती को लाभ का धंधा बना पाए, उद्योग धंधे ला पाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना की है। और नगर निगम भोपाल को मैं इस पहल के लिए बधाई देता हूँ। पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने यह कहा है कि पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए, और इसलिए नर्मदा मैया के जल के जो कुंड बने हैं उनमें गणपति जी प्रवाहमान करने से, उनको विदा देने से हम पर्यावरण को भी बचा पाते हैं। ये पर्यावरण बचाने का भी संदेश है। एक बार पुनः अनंत चतुर्दशी की सबको खूब शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे काफिले के साथ प्रेमपुरा घाट पहुंचे थे। उनके साथ में ट्रॉले पर उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी, जो पूरी तरह गणेश भक्ति में लीन दिखी। इसके अलावा प्रेमपुरा घाट पर नगर निगम द्वारा अलग से विसर्जन कुंड की व्यवस्था की गई, जिसमें छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन कराया गया। पूरे 70 वार्डों में विसर्जन पात्रों में नर्मदा का जल भरकर हमने रखा हुआ है विसर्जन के लिए। साथ ही साथ 6 नए जगहों पर और जो विसर्जन स्थल है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेमपुरा घाट में भी हमने विसर्जन पात्रों में नर्मदा जी का पवित्र जल भर के रखा है। और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि झीलों को बचाने के लिए अपने घरों की छोटी मूर्तियों का विसर्जन हमारे विसर्जन पात्रों में करें। हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम द्वारा विसर्जन घाट को व्यवस्थित किया गया है, जहां पर शहरवासी भक्ति भाव से गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंचे। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट।